ऑलराइट गाइस, तो मैं आया हूँ इस पहाड़ियों में घूमने के लिए। आज मैं आपको अपनी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग लेकर के आ गया हूँ। डिफिकल्ट होता है। अब तक क्या था कि हम लोग रूम में बैठ करके सामने ट्राईपोड रखा, पीछे सेटअप करा, दीवार रखा, दीवार रख करके काफ़ी सारी वीडियो को शूट करते थे, काफ़ी मस्त हैंडसम देखते थे। लेकिन यहाँ ओपन नेचर में बिल्कुल खुला आसमान, खुले आसमान के नीचे कोई भी लाइट नहीं, एक छोटा सा लाइट भी नहीं चल रहा है। और यहाँ हम अपने वीडियोज़ को शूट करने के लिए आए हैं। अब आप देख सकते हैं, अब मैं जैसा था पहले दिन की बात थी, तो मैंने काफ़ी अच्छे से कपड़ा उपड़ा, अब आपको पता है कि मैं हमेशा ब्लेज़र पहनता हूँ, तो मैंने ब्लेज़र्स पहन के आ गए। अब भाई पहाड़ियों में देख रहे हैं, काफ़ी हाइट पे हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब आप, मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ देखो, यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ अभी छाँव है, यहाँ लाइट है। ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन देखो आपकी, आपको बगल में ही आपको वहाँ देखने को क्या मिल रही है कि वहाँ लाइट है और यहाँ बिल्कुल छाँव है। तो इसका मज़ा लेने के लिए भाई बहुत बिंदास। और हाँ, अभी काफ़ी ठंड पड़ रही होगी, लेकिन अभी मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ पहाड़ी के हाइट पे आने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है। बिल्कुल हवा भी चल रही है, तो हवा भी मस्त है। पहाड़ियों से गर्म ठंडे का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा माहौल चल रहा है और मज़ा आ रहा है। अभी हम यहाँ देखो मैनेज करने वाले हैं, देखने वाले हैं कभी क्या चलने वाला है यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ हम, जहाँ मैं आया हूँ यहाँ काफ़ी देखो राजाओं का किला है यहाँ पे, और यहाँ आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे इको पॉइंट। अभी मैं जिस पहाड़ी में हूँ यहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कभी दे सुना होगा कि सोनभद्र में, ये मैं सोनभद्र प्लेस पे हूँ, मैंने आपको पिन जगह दे दिया होगा, तो यहाँ आपने देखा होगा कि आपको एक सामने एक न्यूज़ चल रही है यहाँ पे। देखो यहाँ न्यूज़ है ना, तो एबीपी न्यूज़ बहुत सारे न्यूज़ पे आया था कि यहाँ सोनभद्र में सोने की खदानें मिली हैं। तो मैं उसी प्लेस पे हूँ और कोशिश करूँगा अगर एक आध टुकड़ा मिल जाए तो आपको बुलाने की भी कोशिश करूँगा, आना उठा करके चलेंगे। बहुत ही बड़ा गिव अवे किया जाएगा डीडी पेटीएम फंडा पे। ओके गाइस, देखो ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है, ब्लॉगिंग से भी आप पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग का काफ़ी सारे तरीके हैं। अब आप जहाँ ब्लॉगिंग करना चाहो, जिस जगह पे, अभी भी देखो मुझे घूमने का काफ़ी शौक था भाई, 2 सालों से 1.5 साल हो गए थे रूम में बैठ करके काम करते करते, ऑफिस में बैठ करके। तो अब हमें मौका मिला, मैंने कोशिश किया भाई। नहीं देखो मैंने अपना पासपोर्ट भी अप्लाई करवा दिया है, बहुत जल्दी वीज़ा भी बनने वाला है। ओके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, देखो मुझे सबसे ज़रूरी है मेरा डीडी पेटीएम फंडा को चलाना, क्योंकि वहाँ पे पूरा दिन ऑफर खोजना पड़ता है, पूरा दिन हम सबको नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करनी पड़ती है। अब चलो कहीं और बैठ करके बताते हैं वीडियो के बारे में, पूरी डिटेल बताते हैं। तो मैंने आपका तो स्टोरी आगे करते हैं। ये मेरा फर्स्ट डे था ब्लॉग का जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। देखो होता है कि, अब मैं आपको देखो डिटेल बताता हूँ, मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 चैनल पर बातें करता हूँ। तो ऑफिस में कैमरा सामने रख करके बोलना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन यहाँ हमें देखो अपने हाथ में, ऐसे हाथ में ब्लॉक को पकड़ा, ब्लॉक के ट्राईपोड को पकड़ा, ट्राईपोड पकड़ करके ऐसे हम वीडियोस को बनवा रहे हैं। और खुद से बोलना, खुद से कैमरे पर कंसंट्रेट करना, आगे भी देखना, और जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हो तो ट्रैफिक को देखना, तो काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ओके, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन भाई मज़ा है। देखो एक जगह जब आप रूम में बैठ करके काम करते हैं तो वो आपको काफ़ी लगता है ना इस टाइप का कि भाई क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, घूम रहा हूँ, मज़े भी ले रहा हूँ, हवा चल रही है, नेचर है, किसी तरह का हमें कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे, बिल्कुल ओपन एरिया है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ ब्लॉग करना बहुत आसान है। देखो पहली बार मैंने फर्स्ट ब्लॉग को, अब जब मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तो फर्स्ट ब्लॉग के लिए मैंने ऐसा जगह चूज़ किया जिस जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा। देखो अगर मैं आज मैं किसी सिटी में गया होता, अगर मैं किसी प्लेस पे गया होता, अगर मैं किसी और जगह पे गया होता, तो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन। और आप जब विलेज से बिलोंग करते हो तो होता है क्या है कि जब आप छोटे प्लेस पे रहते हो तो वहाँ लोगों को लगता है भाई क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, किससे बोल रहा है। तो मैंने पहली बार जब ब्लॉग शूट किया, तो पहली बार ब्लॉग शूट करने के लिए हम इस एरिया को मैंने चूज़ किया जहाँ मैं खुल के बोल पाऊँगा, यहाँ मुझे कोई नहीं सुन सकता है, यहाँ मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, बिल्कुल मैं फ्री हूँ बोलने के लिए। तो यहाँ मैं पहला एक्सपीरियंस, अब आप देखो खुद से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो। अगर आप भी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो अपने पहले होम टूर का, घर में फैमिली का, अपने फ्रेंड के साथ घूमने का, या आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस का, ऐसी प्लेस पे जाकर के पहले बोलने की कोशिश करो जहां आपको कोई हेजिटेशन फील नहीं होगा, जहां आपको किस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, जहां आप खुल करके चिल्ला करके बोल पाओगे आई एम अ ब्लॉगर, मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया हूँ, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। तो देखो अब देखो मैंने पासपोर्ट बनवाया, मैं वीज़ा जल्दी बनवा रहा हूँ, अभी मैं आउटसाइड जाऊँगा, आउट ऑफ कंट्री जाऊँगा, तो अभी मैं जहाँ यहाँ से स्टार्ट करूँगा, बोलने स्टार्ट कर दूँगा, तो जल्दी से ही मैं काफ़ी एडवांस हो जाऊँगा बोलने के लिए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि ट्राइपॉड को मैनेज करना, कैमरे को मैनेज करना, मोबाइल को हाथ में लेकर के चलना, साथ में बोलते भी रहना, बातें भी करते रहना, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है।
कोई ज्यादा कुछ नहीं है भाई, बाकी आप ट्राई, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप सभी सभी देखो मुश्किल से, मैंने भी एक मेरा चैनल है यूट्यूबर, मैंने जहाँ मैं सिखाता हूँ यूट्यूब से कैसे पैसा कमाए, पता है शुरू में 1% लोग ऐसे हैं जो कि स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना किस चीज़ से, अपने फेस कैम से। 99% लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, गेम प्ले का स्क्रीन लगा करके वीडियो बनाते हैं, क्यों? हेजिटेशन। तो उसी हेजिटेशन को दूर करने के लिए सबसे पहले आप कैमरे के सामने बोलो, रूम में बैठ करके, या आप कुछ भी रख लो, जैसे हो सकता है कि घर में ब्लॉग शूट कर रहे हो जब आप, तो घर का देखो। और पहला ब्लॉग था, मुझे बताना कैसा है। अब भाई अच्छा तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी मैंने वीडियो काफ़ी सारे शूट कर रखे हैं, लेकिन भाई ब्लॉग शूट किया, अब इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा बताइए।